भदोही जिले के दुर्गागंज थाना क्षेत्र के बीरापुर गांव में शनिवार की आधी रात एक व्यक्ति के दरवाजे पर तेज आवाज के साथ जोरदार धमाका हुआ है। तेज आवाज के साथ हुए जोरदार धमाके के चलते एक महिला घायल हो गई है। ग्रामीणों के मुताबिक अज्ञात लोगों द्वारा सुतली बम जैसा कोई विस्फोटक पदार्थ फेंका गया है, जिसके चलते तेज आवाज के साथ जोरदार धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसे की जानकारी ग्राम प्रधान ने दुर्गागंज पुलिस को दी। रात में ही दुर्गागंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया है और पुलिस मामले में आवश्यक छानबीन करने में जुटी हुई है। बड़ी बात यह है कि अभी तक यह धमाका कैसे हुआ है, इस धमाके को किसने किया है, अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं दुर्गागंज के बीरापुर गांव में रात में धमाका होने के बाद रविवार की सुबह ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई है। घटना के बारे में प्राप्त जानकारी के मुताबिक दुर्गागंज के बीरापुर गांव निवासी 48 वर्षीय सूफिया बेगम शनिवार की रात अपने घर के बरामदे में सो रही थी। शनिवार की रात करीब 12 बजे के आसपास घर के दरवाजे के पास जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके में घर के बरामदे में सो रही सूफिया बेगम नाम की महिला घायल हो गई है। शनिवार की आधी रात तेज आवाज के साथ धमाका होने से लोगों में हड़कंप मच गया। बीरापुर गांव के ग्राम प्रधान गयासुद्दीन ने इसकी जानकारी दुर्गागंज पुलिस को दी। रात में ही दुर्गागंज पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया है और पुलिस मामले में जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। इस संबंध में जब हमने बीरापुर गांव के ग्राम प्रधान गयासुद्दीन से बात की तो उन्होंने बताया कि रात में ही घटना की जानकारी दुर्गागंज पुलिस को मेरे द्वारा दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। घटना के बारे में अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। घटना क्या है, रात में कैसे क्या हुआ? सर हम लोग सो रहे थे, मियाँ बीवी, मैं तकत पे था और ये हमारी वाइफ जो है बगल में थी। अब करीब करीब 12:15 बजे टाइम तो बाद में पता चला मुझे। अब एकाएक धमाका हुआ, मुझे मैं तो सोचा छत गिरा, लेकिन बाद में जो है जब देखा गया तो बम था और उसके बाद हम लोग घायल हो गए। कौन घायल हुआ? घायल हमारी पत्नी हुई, सुफिया बेगम। अच्छा। भदोही जिले में मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर मेडिकल स्टोर संचालकों से अवैध वसूली करने वाले दो फर्जी ड्रग इंस्पेक्टरों को उंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार फर्जी ड्रग इंस्पेक्टरों के कब्जे से वीआईपी एक्सयूवी कार, स्वास्थ्य मजिस्ट्रेट और सीएमओ प्रयागराज का मुहर, फर्जी नंबर प्लेट, नेम प्लेट, यूपी पुलिस का बिल्ला और 2100 रुपए नगद बरामद किया गया है। गिरफ्तार फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर एक मेडिकल स्टोर संचालक से वसूली कर रहे थे। मेडिकल स्टोर संचालक की तहरीर पर पुलिस ने मात्र 12 घंटे के अंदर दोनों फर्जी ड्रग इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं उंज पुलिस ने दो फर्जी ड्रग इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर जौनपुर के मीरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले ज्ञान सिंह मौर्या और प्रयागराज जिले के फाफा मऊ इलाके के रहने वाले संजीव कुमार गुप्ता शामिल है। बताया जाता है कि भदोही जिले के एक मेडिकल स्टोर संचालक से ये आरोपी वसूली कर रहे थे। उसी मेडिकल स्टोर संचालक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मात्र पुलिस ने 12 घंटे के अंदर इन दोनों फर्जी ड्रग इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार फर्जी ड्रग इंस्पेक्टरों को कोई आसानी से पहचान नहीं सकता था, क्योंकि इनके पास स्वास्थ्य और मजिस्ट्रेट विभाग का नेम प्लेट, सीएमओ प्रयागराज का मुहर, यूपी पुलिस का बिल्ला सहित कई अन्य दस्तावेज मौजूद थे, जिससे लोगों को कोई शंका नहीं होता था और ये इसी का फायदा उठाकर मेडिकल स्टोर संचालकों से अवैध वसूली करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ उंज थाने पर मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को जेल भेज दिया है। फर्जी ड्रग इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में यशो उंज छोटक यादव, चौकी प्रभारी रोहित गुरु ज्ञान चंद्र पटेल, उप निरीक्षक अखिलेश्वर सिंह, शमशाद खां, विशाल सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। भदोही जिले में अपराध पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने 3 पुलिस उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेर बदल किया है। एसपी के द्वारा जनपद में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एहतियातन कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने जिन 3 पुलिस उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेर बदल किया है उनमें गोपीगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक अविनाश प्रकाश राय को चौकी प्रभारी जंगीगंज बनाया गया है। इसी तरह जंगीगंज चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक मोहम्मद शाबान को प्रभारी सीएसओजी टीम बनाया गया है। इसी तरह सर्विलांस सेल के प्रभारी उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह को प्रभारी साइबर सेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भदोही जिले के सूर्यामा थाना क्षेत्र के मौजूदा गांव में 3 दिन पूर्व आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद में 22 वर्षीय युवक की लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने रविवार को हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हत्यारोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल बांस का डंडा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आम तोड़ने को लेकर हुए मामूली कहासुनी के दौरान आरोपी ने 22 वर्षीय युवक के सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सूर्यामा पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हत्यारोपी 32 वर्षीय संतोष उर्फ आशुतोष सिंह सूर्यावा के मौजूदा गांव का ही रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को सूर्यावा के पकड़ी कला तिराहे से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार हत्यारोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल आला कत्ल बांस का डंडा बरामद किया है।
रविवार को भदोही जनपद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भदोही कोतवाली पुलिस ने टॉप 10 हिस्ट्री शीटर 25,000 रुपए के इनामी बदमाश की चल अचल संपत्ति को कुर किया है। रविवार को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में भदोही शहर के छेड़ी वीर मोहल्ले में कुर्की की कार्रवाई की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भदोही शहर कोतवाली इलाके के छेड़ी वीर मोहल्ले में कुर्की की कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने भदोही शहर कोतवाली इलाके के छेड़ी वीर मोहल्ले के रहने वाले आजम पुत्र शौकत अली की चल अचल संपत्ति को कुर किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ लूट, हत्या, चोरी, छिनैती, अपहरण, वसूली, धोखाधड़ी जैसे कुल 32 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि न्यायालय का आदेश आने के बाद भी आरोपी एक साल से लगातार फरार चल रहा था, जिसके चलते रविवार को भदोही कोतवाली पुलिस ने छेड़ी वीर मोहल्ले में पहुंचकर आरोपी के चल अचल संपत्ति को कुर किया है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।